तो करंट अफेयर्स में कल मैंने आपको थोड़ा सा एक बेसिक योजनाओं के बारे में बताने का प्रयास किया था, ठीक है, कि योजनाएं क्या होती हैं, केंद्र प्रायोजित योजना क्या है, केंद्रीय योजना क्या है, ये सब बताने का मैंने प्रयास किया था। आज मेरा प्रयास थोड़ा सा आगे बढ़ के अब आप लोगों को करंट अफेयर्स के बारे में, मैंने दो कैटेगरी बनवाई थी, पुराने सरकार की कुछ महत्वपूर्ण योजना ही देखेंगे। देखो करंट का टॉपिक मान लिया जाता है, अभी पुरानी योजनाएं हैं सरकार की, योजनाएं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो जानना बहुत ज़रूरी है। यदि हम पुरानी योजनाएं नहीं जानेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पुरानी योजनाएं मैं आप लोगों को एक एक करके थोड़ा थोड़ा लिखवाता जा रहा हूं। अलग कॉपी जो आपने बनाई है करंट अफेयर्स की, उस कॉपी पे ही पर डे दो तीन योजनाएं करते जाएंगे, फिर धीरे धीरे मैं रफ्तार बढ़ाऊंगा आप लोगों की, और फिर करंट अफेयर्स का एक एक मुद्दा जो है हमारा ऐसे ही करते जाएंगे, ठीक है। ये वो योजनाएं मैंने पुराने साल के लिए हैं, जो योजनाएं पूछी जा रही हैं, मैंने जो एग्जामों में देखा है वो योजनाएं ही मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, पुरानी। बाकी करंट में नई योजनाएं तो सब जानते हैं, तो नई की जब बारी आएगी तब नई करेंगे, पहले पुरानी देख लेते हैं। जब नई करेंगे तो तब देखेंगे कि पुरानी को किसको मर्ज किया गया है। तो सबसे पहली योजना भारत निर्माण योजना, सबसे पहली योजना है आपकी भारत निर्माण। बताइए भाई, कोई जानता है ये योजना क्या है क्या नहीं है? भारत निर्माण योजना बहुत बार पूछी गई है योजना, बताइए क्या है ये योजना, किस लिए लाई गई भारत निर्माण? इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत बढ़िया। सिंपल और आसान भाषा में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए योजना लाई गई, बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर। लेकिन बुनियादी ढांचे के कौन कौन से पहलू थे इसमें, इससे क्वेश्चन आता है। यदि इस योजना के बारे में मैंने अभी जो देखे हैं भारत निर्माण योजना में, तो वो ये देखा है कि इसमें कौन कौन से बुनियादी ढांचा के तत्व शामिल थे, कौन कौन सी चीज़ें थी। हाँ, क्या क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर में तो सब आ गया, सिंचाई, जैसे सिंचाई, सड़कें, जल विद्युत, स्वच्छता था, अभी आने वाली थी ना। भारत निर्माण में स्वच्छता था कि नहीं था? अरे नहीं नहीं, ये अभी की योजना नहीं है, ये 2005 की योजना है। लेकिन ये योजना बहुत फेमस है, ये बहुत पूछी जाती है। अभी जैसे ग्रामीण स्वच्छता हर बार डाल देते हैं वो ऑप्शन में, नहीं है उसमें सारे। इसमें आपको कुछ चीज़ें हैं, जल विद्युत हमें बढ़ाना है, देश में जल विद्युत का विकास होगा। आज मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी जीएस में कि विद्युत कितनी इंपॉर्टेंट होती है, विद्युत नहीं होगी तो औद्योगिकरण नहीं हो सकता है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जल विद्युत जितना बढ़ेगा उतना औद्योगिकरण होगा किसी भी देश में। तो जल विद्युत हमें बढ़ाना था, सिंचाई सुविधा बढ़ाएंगे तभी देश में कृषि व्यवस्था का विकास होगा, जल विद्युत, सड़कें, आवास, आवास भी है इसमें। चलिए कुछ चीज़ें लिखते जाइए साथ साथ, लिखिए भारत निर्माण ग्रामीण बुनियादी ढांचे, भारत निर्माण ग्रामीण बुनियादी ढांचे, ये भी बहुत जरूरी है, शहरी या ग्रामीण। भारत निर्माण ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए एक समयबद्ध योजना है, के निर्माण के लिए एक समयबद्ध योजना है। अच्छा, कोई बताएगा ये केंद्रीय योजना है कि केंद्र प्रायोजित योजना है? विभिन्न मत हैं, तुक्के भी लग रहे हैं। कोई कंफर्म वाला है कि कौन सी योजना है? कंफर्म, बहुत आत्मविश्वास हो। कल किसको था? कल इनको था, अब नहीं है। तीन चीजों को, तीन लोगों की सहभागिता, केंद्र प्रायोजित योजना थी जिसमें तीनों एंटिटी थी। पहली एंटिटी, देखो अब ग्रामीण, ग्रामीण की बात हो रही तो किसको सम्मिलित करना पड़ेगा? ग्राम पंचायत तो होगी, पहले तो केंद्र सरकार थी, केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, और तीसरा ग्राम पंचायतें, पंचायतों को भी इससे जोड़ा गया था, ठीक है। और जब मैंने आपको ये भी बताया था कि केंद्र प्रायोजित क्या होती है और केंद्रीय योजनाएं क्या होती हैं,
केंद्रीय योजना संघ सूची में बनाई जाती है, संघ सूची के विषयों पर, और जो केंद्र प्रायोजित होती है समवर्ती सूची और राज्य सूची में बनाई जाती है, उनमें वित्त पोषण का आपस में आवंटन होता है केंद्र और राज्य के मध्य। तो भारत निर्माण एक केंद्र प्रायोजित योजना थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखिए, यह योजना भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों पहला आपको छूट गया, समय यदि योजना थी, बस यहीं तक था पहला, और पहले में क्या था, यहीं तक तो था आगे। यह योजना भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों और पंचायती राज संस्थानों के साथ साझेदारी में है, पंचायती राज संस्थानों के साथ साझेदारी में है। यह योजना 2005 में शुरू की गई, यूपीए 1 जो आया था, यूपीए सरकार के द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना 2005 में शुरू की गई। आपने कौन सी योजना सुना समझा था, कौन सी योजना समझ लिया आपने? अच्छा, वो नहीं है ये, ठीक है। सितंबर 2019 में ये क्या हुआ? आप लोग शांत तो बैठ नहीं सकते, क्या हुआ? बहुत कमर सीधी कर रहे थे, गिर तो नहीं जाएंगे आप? वेट बढ़ रहा है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया बस थोड़ा सा ही, थोड़ा थोड़ा ही खाओ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस कुछ देर बाद फिर हंसेंगे हम लोग, है ना? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। यह योजना भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों और पंचायती राज के मध्य साझेदारी में है। यह योजना 2005 में शुरू की गई। इस योजना के कार्यान्वयन का मुख्य दायित्व ग्रामीण विकास मंत्रालय पर है। इस योजना के कार्यान्वयन का मुख्य दायित्व ग्रामीण विकास मंत्रालय को है, ठीक है। इसमें छह घटक हैं। लिख लीजिए, नंबर एक सिंचाई, पहला घटक है सिंचाई। नंबर दो सड़कें। नंबर तीन आवास, सिंचाई, सड़कें, आवास, जलापूर्ति, विद्युतीकरण, दूरसंचार संयोजकता। ये छह चीज़ों को हमें ग्रामीण क्षेत्र के बुनियादी ढांचों में विकसित करना है, ठीक है। अब इसमें यदि आ जाए ग्रामीण स्वच्छता है कि नहीं है? नहीं है। इसलिए देखो, अब यही चीज़ें यहीं पे गड़बड़ाएगा। ये छह चीज़ें रट लो, फिर से एक बार बात करते हैं। सिंचाई गांव के लिए ज़रूरी है, सड़कें ज़रूरी हैं, आवास घर होने चाहिए, पक्के मकान कम से कम। इसके बाद नेक्स्ट जलापूर्ति होनी चाहिए गाँव क्षेत्र में, विद्युतीकरण होना चाहिए और दूरसंचार संयोजकता होनी चाहिए, ठीक। बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन अब ये पर्टिकुलर एक योजना है भारत निर्माण, बहुत पूछता है इसलिए बिल्कुल याद रख लो, ये रिपीट होता है क्वेश्चन। अगला चलते हैं, मनरेगा। सब जानते हैं इसके बारे में, क्या है भाई बताओ, भाई मनरेगा के बारे में बताएं। मनरेगा के पहले पूरा नाम बताओ। हाँ नरेगा थी, वो नाम अभी तो मनरेगा है। मनरेगा महात्मा गांधी के बाद क्या है? राष्ट्रीय, हाँ महात्मा गांधी राष्ट्रीय, हाँ अब ठीक है, ये कंप्लीट है। तो पहले इसका पूरा फुल फॉर्म लिखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इंग्लिश में यदि हम इसे लिखेंगे तो मनरेगा, महात्मा गांधी। अब इसमें जो है मन आपको हिंदी में नहीं मिलने वाला, नरेगा
एन आर ई जी, जी के बाद ए ढूंढने लगो, ई नहीं है, एस है। हिंदी में मनरेगा बोलते हैं, नरेगा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्कीम है, ये समझ रहे हैं। पूरा फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। अब क्या है ये बता दो, ठीक है। अच्छा, घर के सभी सदस्यों को कि एक सदस्य को, परिवार के बच्चे को भी दे दिया कि वयस्क को दिया जाएगा, वयस्क को दिया जाएगा। कुशल दिया जाएगा कि अकुशल दिया जाएगा, अकुशल श्रम देना है, अकुशल रोजगार देना है हमको। ये सब तीन चार पक्ष जरूरी हैं, ऐसे ही फंसाता है। लिखिए इसमें आगे, लिखिए मनरेगा। मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में, मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर को, ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर को न्यूनतम 100 दिनों का गारंटीकृत, हर घर को न्यूनतम 100 दिनों का गारंटीकृत रोजगार प्रदान करती है। रोजगार प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिए, देखिए स्कीम्स, क्योंकि यूपीएससी हो या पीसीएस के जितने भी फॉर्मेट के एग्जाम हैं, या फिर जितने भी और अदर एग्जाम है, चाहे ट्रिपल एससी का हो, अभी समय लोअर पीसीएस का एग्जाम है, आपके सबके सर में मंडरा रहा है वो, है ना, लोअर पीसीएस का भूत। तो वो जितने भी एग्जाम हैं, उन सभी एग्जामों में ऐसे पॉइंटों में चीज़ें आती हैं, कहीं कहीं पर चार विकल्प दे जाते हैं। कभी भी करंट अफेयर्स पैराग्राफ में नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि पैराग्राफ के फॉर्मेट में पूछी नहीं जाती है, वो यूपीएससी के लिए या फिर जहाँ पे लिखित एग्जाम है वहाँ के लिए अलग है। लेकिन जब भी पढ़ो पॉइंटों में पढ़ो, एक एक पॉइंट लेके चलो, क्योंकि कोई भी पॉइंट आपका गड़बड़ हो सकता है, ये चीज़ ध्यान लो। बुलेट पॉइंट पे करंट पढ़नी चाहिए हमेशा। अगला इसमें लिखिए नेक्स्ट, ग्रामीण परिवार का एक वयस्क सदस्य, ग्रामीण परिवार का एक वयस्क सदस्य, ग्रामीण परिवार का एक वयस्क सदस्य जो अकुशल कार्य करने के लिए तैयार है, जो अकुशल श्रम करने के लिए तैयार है, ग्रामीण परिवार का एक वयस्क सदस्य जो अकुशल कार्य करने के लिए तैयार है, को मौजूदा मजदूरी के दर पर, देखो मजदूरी की दर कोई फिक्स नहीं है, समय के साथ साथ उसको, है ना, जैसे महंगाई हर चीज़ उसका रिव्यू होता रहेगा, मौजूदा मजदूरी दर पर इस योजना के तहत रोजगार दिया जाएगा, इस योजना के तहत रोजगार दिया जाएगा। दायित्व किसके पास है, कौन चला रहा है इसको, किस मंत्रालय की योजना है ये, बिल्कुल 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 बिल्कुल, लिखिए इस योजना के कार्यान्वयन का दायित्व ग्रामीण मंत्रालय के पास है, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इस योजना के कार्यान्वयन का दायित्व ग्रामीण विकास मंत्रालय। अब कोई ये बताए मुझे, क्या रोजगार का अधिकार कानूनी अधिकार है, रोजगार का अधिकार मौलिक अधिकार है कि नहीं, ये बताओ, फंडामेंटल राइट है रोजगार का अधिकार, रोजगार का अधिकार फंडामेंटल राइट में है क्या, रोजगार का अधिकार फंडामेंटल राइट में दिया ही नहीं जा सकता है। डीपीएसपी में लिखा है, राज्य के निजी तत्वों की बात है वो। मनरेगा जब आया, ये कानून जब पारित हुआ, इसने आपको एक कानूनी अधिकार दे दिया, आपको अब रोजगार पाना आपका एक अधिकार है, आपको सरकार को काम देना पड़ेगा 100 दिनों के लिए कम से कम, ठीक है। तो पहले अगला पॉइंट ये लिख लीजिए, मनरेगा के तहत रोजगार का अधिकार एक कानूनी अधिकार है।
मनरेगा के तहत रोजगार का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। अब रोजगार मिलेगा कैसे, तरीका क्या है, उसके लिए पंजीकरण कराना पड़ेगा, जॉब कार्ड बनते हैं, है ना। लिखिए इसके बारे में भी लिखिए। प्रत्येक योग्य व्यक्ति को जो काम करने के लिए पंजीकरण करवाता है, प्रत्येक योग्य व्यक्ति को, योग्यता क्या चाहिए, वयस्क होना चाहिए, है ना। प्रत्येक महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों को काम का अधिकार है यहाँ पर। प्रत्येक योग्य व्यक्ति को जो काम करने के लिए पंजीकरण कराता है उसे 15 दिनों के भीतर रोजगार प्रदान किया जाना अनिवार्य है। यह भी बहुत, ये शब्द याद रखिएगा, अनिवार्य। प्रत्येक योग्य व्यक्ति जो काम के लिए पंजीकरण करवाता है उसे रोजगार प्रदान किया जाना क्या है, अनिवार्य है। अन्यथा सरकार को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करना होगा। यह भी एक अगला क्लॉज है इसमें। अन्यथा, मान लो 15 दिन में नहीं दे पाई तो पैसे दे, अन्यथा सरकार को बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करना पड़ेगा। अच्छा, ये मैंने कल आप लोगों को बताया था केंद्र प्रायोजित योजना, उसमें एक रेशियो मैंने बताया था केंद्र प्रायोजित योजना, इसमें कितना रेशियो है मनरेगा में राज्य और केंद्र के मध्य, 60-40। सब केबीसी वाले बैठे हैं 50-50। कोई यहाँ पर फोनो फ्रेंड नहीं है, 50-50। ठीक है, लिखिए। योजना का खर्च केंद्र और राज्यों के बीच 50:50 यानी 50-50 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। कहीं पर अनुपात उल्टा सुलटा भी है क्या, सभी राज्यों में 50-50 है? विशेष राज्यों का दर्जा जिन्हें प्राप्त है, जम्मू कश्मीर में ये 90:10 है, राज्य सरकार को 10%, केंद्र सरकार को 90%। उत्तर पूर्वी राज्यों में 90:10 है, ये भी लिख लीजिए। लिखिए, विभाजित किया, जम्मू कश्मीर तथा उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर, जम्मू कश्मीर तथा उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर जहां अनुपात 90:10 है, उत्तराखंड में पहाड़ी राज्य, हाँ वो भी विशेष राज्य, उसको में भी होगा, ठीक है, एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है, जहां पे विशेष राज्य का दर्जा है, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर है, बिल्कुल है। नेक्स्ट, आगे बेरोजगारी भत्ते के मामले में, बेरोजगारी भत्ते, अब मान लो, अब चलो काम मिल गया तो 50-50, लेकिन बेरोजगारी भत्ता कौन कितना देगा, मान लो राज्य, इसको क्रियान्वित किसे करना है, राज्य को क्रियान्वित करना है, केंद्र प्रायोजित योजना है, राज्य क्रियान्वित करता है। अब राज्य काम ना दे पाए 15 दिन के भीतर, तो बेरोजगारी भत्ता कितना कितना देंगे, इसका भी अनुपात तय किया गया है। केंद्र को ज़्यादा देना चाहिए कि राज्य को ज़्यादा देना चाहिए, बिल्कुल राज्य ज़्यादा देगा। यहाँ पे लिखे, बेरोजगारी भत्ते के मामले में केंद्र तथा राज्य के मध्य खर्च का अनुपात 10:90 है, 10% केंद्र, 90% राज्य देगा, 10:90 है। इसके अलावा काम के 15 दिनों के भीतर, काम आज खत्म किया आपने, उसके 15 दिनों के भीतर क्या हो जाना चाहिए, आपका पेमेंट भी हो जाना चाहिए। पेमेंट नहीं, लटकी हुई है पेमेंट, आ रही है, ऐसा नहीं, काम किया पैसा मिले, सरकारी पैसा नहीं तो पता चला मजे कोई और ले रहा है। इसके अलावा काम के 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान अनिवार्य है, मजदूरी का भुगतान अनिवार्य है। प्रधान, बाकी आपके गांव की बात है, आप समझिए, वोट आप देते हैं उसे, 3-3 महीने लगा देता है।
लेकिन उसको बताइए कि आपको भी तो नहीं पता था कि 15 दिन के अंदर मिलना चाहिए, है ना? उसके भी हाथ में नहीं होता है, प्रधान जाता है बैंक लिवा करके। अब तो DBT कर रहे हैं इसको भी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के अंतर्गत ला रहे हैं। नेक्स्ट आगे 15 दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान अनिवार्य है। भुगतान सीधे बैंक खाते या डाकघर बचत खाते में किया जाता है। भुगतान सीधे बैंक खाते या डाकघर बचत खाते में किया जाता है, नगद के रूप में नहीं, नगद के रूप में नहीं। नेक्स्ट, इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले कामों की प्रकृति, कैसे काम हो मिलेंगे आपको? यदि किसी को काम वाम चाहिए तो बताइएगा। इस नहीं नहीं इसी में पैराग्राफ में लिखते हैं, इस योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले काम की प्रकृति में जल संरक्षण परियोजनाएं, तालाब खोदना, नहरें खोदना, बहुत सारे काम होते हैं। बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं, जल संरक्षण परियोजनाएं, बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं, भूमि विकास कार्य, ग्रामीण सड़कें आदि शामिल हैं। अभी बहुत सारी चीज़ों में विस्तारित किया जा रहा है इसे, ठीक है? ये हो गया आपका मनरेगा। नेक्स्ट डालिए सर्व शिक्षा अभियान। बस इसको कल पढ़ के आइएगा, कल चर्चा करें।